बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सऊदी अरब लाइव हूं आप साथ में और आपको एक न्यूज़ से अपडेट कर देता हूं मैं 29 किलो जी 29 किलो लिखा हुआ है 29 किलो चरस पकड़ी गई है जी असीर के इलाके से जो सऊदी अरब का काफी खूबसूरत शहर है टूरिज्म के लिहाज से भी काफी खूबसूरत माना जाता है तो असीर के इलाके से ऐसा आपको ये 29 किलो चरस तो पकड़ी गई है इस बंदे ने गाड़ी में छुपाई हुई थी यहाँ पर आपको मैं वो वीडियो भी अभी दिखा देता हूँ लेकिन आपको पता है सऊदी मुबैस के मतलब बहुत है एक दफ़ा हम ताइफ में मौजूद थे तो आपको मैं साथ में अभी वीडियो भी चलानी दिखानी शुरू कर दूंगा भाई तो ताइफ में हम मौजूद थे जी ताइफ में हमारी रहाइश थी सिजन यानी कि जेल के बिल्कुल साथ इसी इतनी हत्ता के ऊपर पहली कुबरी आती है उसके साथ ही बिल्कुल अंदर तो एक जेल है जी सब भाइयों को शायद पता होगा जो ताइफ में विजिट कर चुके हैं वहां पर सामने हमारी रहाइश थी बिल्कुल जेल के सामने तो हमारा हम जहां पर रहते थे ना वो आखिरी फ्लोर था तो उसके सामने ऊपर आपको पता है छत वगैरह थी सामने जेल ही थी तो नीचे एक पागल घूमता रहता था तो हमने सोचा कि भाई ये मेरे दोस्तों ने मुझको बोला ये पागल है मैंने उनको बोला था उस टाइम ये पागल नहीं है ये जेल है इधर तो इसलिए खुफिया एजेंसी वाले बंदे भी घूमते रहते हैं वही हुआ जी एक मैं सुबह टाइम फर्स्ट टाइम यानी कि वॉक के लिए निकलता था बाहर थोड़ा रनिंग वगैरह के लिए तो मैं एक दिन वापस आ रहा था दौड़ते हुए तो एक गाड़ी मेरे पीछे उन लोगों ने लाइट्स वगैरह बंद की हुई थी आराम आराम से आ रहे थे जब मैं बिल्डिंग के नज़दीक आया ऊपर जाने लगा उस टाइम मैंने वो गाड़ी को देखा जो शूतों की गाड़ी थी तो उन्होंने मेरी तरफ देखा मैंने सलाम किया वो उन्होंने भी सलाम किया बस और कुछ पूछ गुछ नहीं हुई बहरहाल वो अच्छा उससे एक दो दिन बाद हम जब काम से वापस आए हैं शाम 5 बजे तो वो पागल जो है वो हमारी छत के ऊपर घूम रहा था यानी कि चेकिंग वगैरह कर रखा होगा ये क्या सिस्टम तो नहीं है कोई छिद्र तो देख दुख रहा हमको देखा तो वो नीचे चला गया कोई मसला नहीं था पर ऐसी यानी कि इनकी मुबैस बहुत तेज होती है इसी लिहाज से आप अभी शायद ये वीडियो भी देख चुके हों या देख रखे हों कि ये एक 29 किलो चर्स भाई ये अपनी गाड़ी में छुपा कर बंदा लेकर जा रखा था जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है सऊदी अरेबिया में खासकर मेरे परदेसी गैर मुल्की भाई कोई भी किसी किस्म का दो नंबर भाई धंधा करने से पहले अपनी पीछे बैठी हुई फैमिलीज के मुतल्लिक जरूर सोचा करें।